आ गए बड़े भैया, चलिए ना चलिए ना चलिए ना काका। आ गए बेटा राजेश, आज बड़ी देर तक चली तुम्हारी मीटिंग, क्या कहा फॉरेन कोलैबोरेटर्स ने? काका सब डिस्कशंस डिटेल में हो गए हैं, अब वो हमारी रिपोर्ट स्टडी करके बताएंगे। और काका अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया ना, तो जैसे आपने कहा था, इस फैक्ट्री का देश भर में कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ देखा प्रेम, तेरा भैया तुझे बिजनेस में लॉन्च करने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। बड़े भैया खाना। अरे वाह, मीठा नमकीन खीर पूरी, आज कोई त्योहार है क्या चमेली? वो क्या है बड़े भैया? वो क्या है कि आज हम सब बहुत खुश है बड़े भैया। हाँ। खुश? वो क्या है भैया कि इस बार छुट्टियों में हमने राम टेकरी जाने का फैसला किया है। राम टेकरी? लेकिन काका आप तो कह रहे थे कि आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना था। राम टेकरी तो बड़ी तपोभूमि है बड़े भैया, गांव से भैया और भाऊजी हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए, भाऊजी तो व्रत भी रखती है। तो प्रोग्राम फिक्स्ड। और हाँ इस बार हम आपका नया सिल्क का कुर्ता भी ले चलेंगे। उसकी वहां क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं, यू नेवर नो। क्या कहा इसने काका? हाँ मैंने नहीं सुना। हम तो इधर उधर की बात सुनते ही नहीं बड़े भैया। आओ चमेली और पूरी लाएंगे। कमाल है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अब तुम्हें क्या बताएं भैया, हमें क्या मिलेगा राम टिकड़ी में? बिनु विश्वास भगत नहीं, तेही बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। जल्दी कीजिए पापा, अगर मम्मी ने आपको रसोई में ये एक्सपेरिमेंट करते देख लिया ना, तो बड़ी नाराज होंगी। अरे नाराज होती हैं तो होने दो, हम क्या उनसे डरते हैं। लेकिन अगर उन्होंने भी एक बार इन कचोरियों को देख लिया ना, तो अपना उपवास तोड़ देंगी। सुनते हो? क्या है? मैं नहीं मम्मी। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोरा। नमस्ते बेगी, दिखा दिखाऊं मूड़नताजू। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, सब लोगों को डरे हुए देख और सीता जी को बेचैन जानकर। ये बरनी किसने तोड़ी जी? ये बरनी किसने तोड़ी? पूजा बेटे, जब रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, तो परशुराम जी ने बड़े गरजते हुए पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो रामचंद्र जी ने बड़ी सरलता से, बड़े प्रेम भाव से उत्तर दिया कि नाथ शंभु धनु बंजनी हारा, होई को एक दास तुम्हारा। कुछ तो शर्म करो, दो दो जवान बेटियां हैं, क्या सोचेंगी? अरे क्या सोचेगी, मैंने कुछ गलत कहा प्रियतमे? मैंने कुछ गलत नहीं कहा प्रियतमे, मैंने तो आपसे जीतना तो हम दोनों के बस के बाहर है, आपसे कोई जीते तो बस निशा। अरे गुड मॉर्निंग मैनेजर चाचा। शैतान कही कि जब आती है तूफान मेल की तरह, क्यों? पापा ने लाइब्रेरी की किताबें भेजी है और कहा है थैंक यू। अच्छा भैया आपका बिल। पंडित जी ई रहा बिल, वो किताब निकलवाई लियो तो हमरे सागा छोड़ दियो। ये भी ठीक है। निशा बेटी एक काम करेगी, जब तक हम स्टोर रूम से वापस आए ये बिल का टोटल चेक कर देगी। लाइए। शाबाश, लेकिन सुन कोई शरारत मत करना। अब चलो भैया, भैया देख रहा है भैया। Excuse me, ये रामनारायण धर्मशाला ही है ना? बाहर बोर्ड नहीं पड़ा,
गिनती भुला दी। कहाँ थी मैं? 75 and 9 84 क्या है जी? आप मुझे बता सकती हैं प्रोफेसर चौधरी किस कमरे में ठहरे हुए हैं? क्यों जी? वो कुछ काम था। समझ गई। क्या? खड़े होइए जी। खड़े होइए। देखिए आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं जी। जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं, इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने। नंबर बढ़वाई आप अपने चश्मे के मैडम, मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं? देखो जी निशा, अरे बाप रे, निशा मैं यहाँ हूँ जी। जी तू यहाँ बैठी है क्या? निशा वहाँ मम्मी कब से तेरी राह देख रही है, क्या कर रही है तू यहाँ? मैं वो जीजी, मैं वो आइए आइए काका, आप चलिए मैं सामान रखवा देता हूँ। हाँ बेटा आइए चलिए। आप प्रोफेसर चौधरी जी के लिए पूछ रहे थे ना, ये हैं उनकी बेटियाँ पूजा और निशा। और पूजा बेटी ये हैं कैलाशनाथ जी, तुम्हारे पापा के दोस्त। नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये प्रोफेसर साहब से मिलना चाह रहे हैं। आइए। अच्छा जी। ओह मैनेजर चाचा, ये लीजिए टोटल कर दिया। कर दिया टोटल, शाबाश, ले तेरा इनाम। थैंक यू। मैनेजर साहब बिल का टोटल आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां टोटल में अक्सर मार खा जाती हैं। क्या कहा? आप चॉकलेट खाती निशा जी? मेरा नाम मत लो। वाह प्रोफेसर साहब वाह, क्या कचौड़ियां बनाई हैं आपने। अरे अमचूर की चटनी के साथ खाइए चौबे जी, मथुरा की कचौड़ियों को भूल जाएंगे। सिद्धार्थ बाबू, अबे कैलाशनाथ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, वाह वाह, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, वाह वाह। सिद्धार्थ, मेरा छोटा भतीजा प्रेम। अरे जीते रहो बच्चे। भाई तुम्हारे चाचा हमसे शर्त हार गए। कौन सी भाई? इन्होंने कहा था कि बाल सिर्फ हमारे जाएंगे मगर इनके भी चले गए, ये देखो। अरे भाई देखो तो कौन आया है। नमस्ते जी, पहचाना? कैसे हैं आप? अरे होंगे कैसे, आज टॉप के उद्योगपति में इनका नाम लिया जाता है। आइए बैठिए। सच कैलाशनाथ, जब अखबारों में तुम्हारा नाम पढ़ते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं भाई। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा प्रेम, तुम शायद हम तीनों की हिस्ट्री नहीं जानते होगे। हम तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत मौज मस्ती किया करते थे, नहीं कैलाशनाथ? आओ भाई आओ, यहाँ रख दो भाई, हमारी बेटियों से तो तुम मिल ही चुके हो। हाँ। और कैलाशनाथ यहाँ हर साल आते हो? इस बार एक खास मकसद से आया हूँ। अच्छा? अपने भतीजे राजेश के लिए। हमें तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत भा गई। पूजा? हाँ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। एतराज? क्या बात करते हो, तुम्हारा भतीजा है कैलाशनाथ। फिर भी राजेश हमारे साथ आया हुआ है, एक बार तुम उससे मिल लो तो। जा भैया को बुला के ला। मतलब? हाँ जाना। कैलाशनाथ शुक्रिया। प्रोफेसर शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, इन बच्चों का प्यार, बड़ा कारोबार, मगर घर का आंगन सूना है। राजेश तो फिर भी अपनी माँ की गोद में खेला है, मगर प्रेम वो तो आज तक उस ममता से वंचित रहा। चलिए ना भैया। आओ बेटा राजेश, प्रोफेसर साहब और इनकी धर्मपत्नी। नमस्ते, बैठो। आओ बेटा बैठो ना। तो बेटा काम के अलावा और क्या क्या शौक रखते हो? भैया पेंटिंग बहुत अच्छे करते हैं, है ना भैया? अच्छा बस यूं ही थोड़ी बहुत।
भाई पेंटिंग तो हमारी बेटी पूजा भी बहुत अच्छी करती है, नहीं पूजा? गो जी पापा। बेटी वो जो तुम मंदिर की पेंटिंग बना रही हो जरा राजेश को दिखाओ तो। आह आह भैया हम लोग पेंटिंग देखेंगे, चलो ना भैया हम लोग अभी आते हैं काका, चलो चलो भैया पेंटिंग देखेंगे पेंटिंग।